हो गया, चलो. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट की. हाँ यस परफेक्ट. एमबीबीएस. अच्छा मेडिसिन में भी क्या क्या होता है? तो जैसे सबसे पहला जो फील्ड आता है ना, दैट इज बेसिकली एमबीबीएस. डज एनी वन नो वॉट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एमबीबीएस? एमबीबीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है पता है क्या? एनी वन हैज एनी आइडिया वॉट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एमबीबीएस? क्वेश्चन मार्क आया. इट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी. तो एक्चुअली इट इज बीएमबीएस, लेकिन ऐसे बी एम बी एस बोलने में बोर लगता है ना, इसके लिए उसको बनाया गया एमबीबीएस. सो इट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ऐसा उसका नाम है एमबीबीएस. उल्टा परफेक्ट. ठीक है, यस बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी. यस आई वॉज नोइंग दैट सर. वेरी गुड प्रणव, आई एम हैप्पी दैट यू नो दिस. चलो गुड. अच्छा दूसरा एक फील्ड आता है, दैट इज बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी. वेरी गुड वेरी गुड. एमडी इज बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन. ठीक है, सो दैट इज डिप्लोमेट ऑफ मेडिसिन, ऐसा बोलते हैं उसको. सो दैट इज बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन, वो बाद में होता है. अभी हम लोगों को क्या करना है, वी आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएशन. ठीक है, अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद जो हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं उसको हम लोग अंडर ग्रेजुएशन बोलते हैं. ठीक है, बताता हूँ, सब बताता हूँ, हैव पेशेंस, सब कुछ बोलने वाला हूँ. श्रद्धा, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलता हूँ मैं, डोंट वरी. ठीक है, सब कुछ बोलता हूँ. चलो ये हो गया बीडीएस. बीडीएस के बाद देन वी हैव अनदर फील्ड, दैट इज बी ए एम एस, दैट इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. फिर उसके बाद और एक फील्ड आता है, दैट इज बी एच एम एस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी. तो यहाँ पे एक और एक आता है, दैट इज होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो मैंने किया हुआ है. फिर उसके बाद और एक आता है, दैट इज बी यू एम एस, दैट इज दिस वन इज यूनानी. ये एक और एक इंटरेस्टिंग साइंस है, लेकिन यूनानी साइंस लेने के लिए यू मस्ट हैव टेकन द एजुकेशन इन उर्दू लैंग्वेज. तो स्पेशली इट इज यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन हु हैव डन देयर एजुकेशन इन उर्दू स्कूल्स. तो उनको, वो बच्चे यहाँ पे बी यू एम एस में जा सकते हैं. बी यू एम एस का मेडिसिन ना लिमिटेड मेडिसिन. कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी नाउ? अभी आ रहा है आवाज? हाँ चलो ओके. सो बेसिकली बी यू एम एस रहेगा, और बी यू एम एस के साथ देन वी आर गोइंग टू है. अच्छा यूनानी की बात कर रहा था मैं. सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे जैसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स से मेडिसिन बनते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें मेजरली प्लांट से मेडिसिन बनते हैं. तो ये अलग टाइप का फील्ड है. तो यूजुअली इसमें रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है, बिकॉज इसका जो बेसिक एजुकेशन हम लोगों को चाहिए रहता है, दैट शुड बी इन उर्दू. तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे उसको लेते नहीं है, बट दीज आर द मेजर फील्ड इन मेडिसिन. मेडिसिन के ये मेजर फील्ड्स है. एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया. राइट नाउ एज आई सेड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द अंडर ग्रेजुएशन. ठीक है, और एमडी ये जो मैंने लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट ग्रेजुएशन. इसको हम लोग बोलते हैं पीजी. पीजी स्टैंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पार्ट है. सो वी विल नॉट डिस्कस दिस राइट नाउ. यस देन वी हैव अनदर फील्ड, दैट इज बीवीएससी, दैट इज वेटरनरी साइंस. लेकिन वेटरनरी साइंस का थोड़ा सा ये रहता है कि उसमें बोर्ड के जो मार्क्स रहते हैं ना, दे आर गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. ओके, नीट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है. If you want to become a veterinary doctor, then NEET qualification is necessary. लेकिन इसमें एडमिशन के लिए बोर्ड मार्क्स आर गोइंग टू बी इक्वली इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो ऐसा ये बीवीएससी है. अच्छा ना, ये तो हो गया हमारे टिपिकल मेडिकल साइंस. फिर आता है पैरामेडिकल साइंस. पैरामेडिकल साइंस में वी हैव अदर फील्ड, जैसे फार्मेसी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है. देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, देन वी हैव बायो मेडिकल इंजीनियरिंग. ओके, इट्स एन इंजीनियरिंग फील्ड, लेकिन वहां पे बायो मेडिकल साइंसेस को उसका सपोर्ट मिला हुआ है. तो ये एक हो गया. समबड़ी हैज रेज द हैंड. परीद ने रेज किया है, अफवान ने रेज किया है, सिद्धि ने रेज किया है. यू वॉन्ट टू आस्क मी समथिंग सो दैट यू हैव रेज द हैंड, कि ऐसे ही रेज किया है. वेदांत हैज रेज द हैंड. यू वॉन्ट मी टू आस्क समथिंग फरीद? फरीद आप पूछना चाहते हो, चैट पे डालो कि मैं पूछना चाहता हूँ सर. चलो
आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना वो चैट में डालो, बिकॉज नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना, तो आई विल नॉट बी एबल टू अनम्यूट ऑल, क्योंकि बहुत गड़बड़ होना चालू हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ह्यूज, राइट। अच्छा मैं एक एक बोल रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है, बोलता हूँ मैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, ये सारे साइंसेस क्या होते हैं, इन विच फील्ड ऑफ मेडिकल संस्कृत नीडेड, संस्कृत इज रिक्वायर्ड इन आयुर्वेद, बी ए एम एस, इफ यू आर टेकिंग बी ए एम एस एजुकेशन इन संस्कृत तो, अदरवाइज नहीं, देर इज एन ऑप्शन इन बी एम एस, यू कैन टेक योर एजुकेशन इन संस्कृत और यू कैन टेक योर एजुकेशन इन इंग्लिश, आपके ऊपर वो ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो आप कर सकते हो जिसमें बी एम एस आयुर्वेदा में संस्कृत का इंपॉर्टेंस। सी आयुर्वेदा इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट साइंस, मेडिकल साइंस अवेलेबल ऑन द अर्थ, ठीक है, जैसे इंडिया में सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई थी, राइट। अच्छा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम, यानी इफ यू वांट टू गिव दिस एग्जाम, तो बेसिकली क्या होता है ना, इसमें जेई का क्वालिफिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, नीट वॉन्ट बी रिक्वायर्ड फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, लेकिन जेईई का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। देन वी हैव सर्टन कॉलेजेस जहां पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अलग से एज अ ग्रेजुएशन मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी डन थ्रू आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे में, दिस इज द ओनली आईआईटी विच हैज बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन उसका बेस वापस क्या रहेगा, जेई रहेगा, तो जेई का एडवांस्ड एग्जाम विल बी द बेस फॉर टेकिंग एडमिशन इन बायोटेक्नोलॉजी इन आईआईटी, अदरवाइज आप बाकी के कॉलेजेस में भी कर सकते हो। पैरामेडिकल साइंस में मोस्टली नीट का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, नीट इज ओनली एंड ओनली फॉर पीपल हु वॉन्ट्स टू परसीव मेडिसिन, यानी जो लोगों को डॉक्टर बनना है उनको ही सिर्फ नीट, यानी उनके लिए नीट कंपलसरी है, पैरामेडिकल साइंस में जाने वालों के लिए नीट में नॉट बी कंपलसरी, जैसे सीटी इज रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी, ठीक है, अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो सीटी का स्कोर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम ले और पीसीबी, इनिशियली यू हैव टू कीप बोथ पीसीएमबी, ट्वेल्थ में यू कैन ड्रॉप बायोलॉजी, ठीक है, फिर आपने ट्वेल्थ में बायोलॉजी ड्रॉप किया तो भी चलेगा, लेकिन बायो का एक बेसिक स्टडी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, जैसे हम लोग नीट के बच्चों को बोलते हैं कि आप मैथ्स रखो 11th के लिए और बाद में ड्रॉप कर दो, ठीक है। सर कैन वी डू पैरामेडिकल बाय क्वालिफाइंग केवीपीवाई, केवीपीवाई तो बेटा डू यू नो वॉट इज केवीपीवाई, Somebody is asking me about KVPY, that is Shraddha. Shraddha, KVPY is basically Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana. Vaigyanik Protsahan, मतलब क्या होता है पता है, मतलब you will be called as a junior scientist. ठीक है, अगर आप KVPY crack करते हो तो you will be called as a junior scientist. तो आप लोगों को ना यहाँ पे scholarship मिलता है, तो आप किसी भी इंजीनियरिंग मेडिकल या किसी भी कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेते हो तो वहां पे आपको काफी बड़ा स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। सो केवीपीवाई इज गोइंग टू बी इक्वली इंटरेस्टिंग, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन डेफिनेटली गिव केवीपीवाई। सर डज बायोटेक कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो, बायोटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता है। सर फिजियोथेरेपी वी हैव टू गिव नीट, यस, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड देन फिजियोथेरेपिस्ट देन यू हैव टू गिव नीट, इट इज कंपलसरी। Sir, I want to give NEET but don't want to become a doctor, any option? Lot of options. If you don't want to become a doctor and still wants to give NEET, we will discuss that in person. ठीक है, बुशरा, तो मैं आपको बोल दूंगा for all student what, which is easy, NEET or JEE? मुझे पूछोगे तो मेरे लिए तो NEET ही easy है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और मुझे बायो पसंद है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पसंद है, आई लव डिसीजेस, तो इसके लिए मुझे नीट ज्यादा आसान लगता है। लेकिन ये कैसा ना, सेंसिटिविटी बेस्ड है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इजी क्या है और डिफिकल्ट क्या है, ये डिसाइड मत करो, मुझे करियर में आगे चल के क्या करना है वो डिसाइड करो, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू दिस इन माई लाइफ, तो फिर एवरीथिंग इज ईजी, करेक्ट। आप इजी के पीछे जाओगे तो लेट मी टेल यू, नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड, ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट। सर बट इट्स टफ टू क्रैक, नो, नोबडी, नो, हु सेड इट इज टफ टू क्रैक नीट, वी हैव टू स्टूडेंट्स इन इंडिया हु हैव स्कोर 721 720 लास्ट ईयर, नथिंग इज टफ इन लाइफ, यस, लव डिसीजेस, वेदांत मुझे अच्छे लगते बीमारियां, बीमार लोगों को देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि डॉक्टर हूं मैं इसके लिए, ठीक है।
सर सीटी से डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? नहीं, सीटी से डॉक्टर नहीं बनना हो बन सकते, आपको नीट ही देना पड़ेगा। कितने सारे सवाल, कितने सारे कंफ्यूजन। सर कैन यू प्लीज गिव अ ब्रीफ आइडिया ऑन केवीपीवाई? केवीपीवाई के बारे में आयुष, इफ यू कैन कॉल मी इन पर्सन, आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल द डिटेल्स ऑफ केवीपीवाई। यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है, इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट केवीपीवाई, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम। सर आई हैव इंटरेस्ट इन बायोलॉजी बट आई वॉन्ट टू डू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। हाउ? अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, है ना, हमारा ये सब्जेक्ट छोड़ के बाकी की सारी बातें कर रहे हैं। आप एक काम करो, आज रात को ना सुनो, यस मैं देता हूँ आपको मेरा नंबर, जोसना, आप एक बात सुनो मेरी, अभी अच्छे से सुनो। आज रात को आप लोगों का एक काउंसिलिंग सेशन है जो आतिश सर लेने वाले हैं, ठीक है? ही इज वन ऑफ द बेस्ट काउंसिलर अवेलेबल विथ अस राइट नाउ इन आर इंस्टीट्यूट, एंड बिलीव मी, अगर आप उनका काउंसलिंग अटेंड करते हो तो आपके जितने भी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज है ना, ये सब सॉल्व होना चालू हो जाएगा। चलो मैं उनको ये भी बोलते रखता हूँ कि सपोज अगर कोई डाउट हो, सॉल्व नहीं कर पाए या फिर टाइम नहीं मिला, तो ही विल डेफिनेटली डाइवर्ट यू पीपल टू मी, तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है? ज्योत्सना, यू विल गेट माई नंबर थ्रू इधर लंके सर हु इज फ्रॉम औरंगाबाद, या फिर यहाँ पे है हमारे विशाल सर, तो उनसे आप हमारा नंबर ले सकते हो। क्या अभी मैं ग्रुप पे नहीं डालूंगा सर, प्लीज टेल दैट आर पैरामेडिक्स यूज्ड इन आर्म फोर्सेस। सर प्लीज टेल दैट आर पैरामेडिक्स यूज्ड इन, यस ऑफ कोर्स पैरामेडिक्स आर डेफिनेटली यूज्ड इन आर्म फोर्सेस, व्हाई नॉट, जरूरी होता ही है। फिजियोथेरेपिस्ट लगते हैं, साइकेट्रिस्ट लगते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स लगते हैं, एवरीथिंग। सर लाइव इन औरंगाबाद, यस ऑफ कोर्स आई विल बी कमिंग इन औरंगाबाद, आई डोंट लिव इन औरंगाबाद बट आई विल बी कमिंग इन औरंगाबाद ऑलमोस्ट वीकली बेसिस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो डू वी हैव टू टेक मैथ्स फॉर बायोटेक और बायोमेडिकल? यस मैथ्स लेना पड़ेगा बेटा आपको, बायोटेक्नोलॉजी के लिए जरूरत नहीं है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए लेना पड़ेगा। सर बोथ सर नंबर्स आई डोंट हैव, दैट्स सो स्वीट। चलो मैं ना एंड ऑफ द मीटिंग में डाल देता हूँ मेरा नंबर, ठीक है? मैं डाल दूंगा मेरा नंबर, डोंट वरी सर, इट इज कंपलसरी। कितने क्वेश्चंस रहे, मुझे पढ़ाई नहीं नहीं दे रहे सब लोग, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन मार्क करते हो। सर फॉर गेटिंग एम्स कॉलेज व्हाट शुड बी द स्कोर? हाँ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, समबड़ी हैज आस्क्ड मी कि सर एम्स में जाना है तो मेरा स्कोर क्या होना चाहिए? एम्स में जाने के लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए, दैट शुड बी, आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी आउट ऑफ 720 600 एंड प्लस, ठीक है? 600 प्लस अगर आपका स्कोर रहेगा तो यू विल डेफिनेटली गेट एम्स फॉर श्योर। सर फॉर गेटिंग एम्स कॉलेज, ये मैंने बता दिया। सर कैन वी टेक बोथ मैथ एंड साइंस? या मैथ्स एंड बायो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलवेज वेलकम सर इन औरंगाबाद। थैंक यू बेटा, लव यू। चलो 11th एंड 12th साइंस नीट 680, आराम से 680 तो कहीं नहीं गया, फिर टेंशन ही नहीं, आराम से मिल जाएगा आपको। सर फॉर एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली इज यू हैव टू बी इन टॉप 50, एम्स दिल्ली में जाना है तो टॉप 50 या फिर टॉप 35 में आपको जाना ही पड़ेगा, तो आपका एम्स दिल्ली में नंबर लगेगा, विच इज इन द रेंज ऑफ 660 70 80 लाइक दैट, तो वो आपको उतना क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है? 11, 12 का सिलेबस ही नीट में आता है, यस 11, 12 का सिलेबस, एंड टू बी मोर प्रिसाइज 11, 12 का बायोलॉजी के लिए वी आर गोइंग टू हैव ओनली वन इम्पोर्टेंट बुक, एंड दैट इज NCERT, ये आपका रहेगा बाइबल बायोलॉजी के लिए। आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करनी है फॉर क्रैकिंग नीट एग्जामिनेशन, ठीक है? सर विच कॉलेज इज बेस्ट आफ्टर एम्स? एम्स के बाद फिर से आई एम सॉरी, मुझे कोई कॉल कर रहा है बट आई एम नॉट टेकिंग दैट कॉल। या सो सर कैन वी ड्रॉप बायोलॉजी इन 12th? यस यू कैन ड्रॉप बायोलॉजी इन द 12th, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो कर दो, नहीं कर रहे तो रुक रखो, ठीक है? अच्छा और कोई बुक नहीं है ना? एनसीईआरटी से तो पूरा पढ़ना ही है आपको, एनसीईआरटी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। फिर उसके साथ ना एक एमटीजी का एक बुक आता है विच इज हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व दी क्वेश्चंस क्वेश्चंस और ये सब सॉल्व करने के लिए एमटीजी रहता है, और उसके फिंगर टिप्स बोलते हैं, या फिर और एक दो ऐसे है, ठीक है? सीटी फार्मेसी विच बुक इज बेस्ट? सर सीटी फार्मेसी के लिए भी आपको एनसीईआरटी यूज करना रहता है, सेम सेम बुक,
कोई फर्क नहीं, क्योंकि सिलेबस अभी दोनों इसका सेम ही है. एग्जाम्पलर यस इज यूजफुल, लेकिन एग्जाम्पलर को लिमिटेशंस है. यू कैन यूज अलोंग विद एनसीईआरटी, यू कैन गेट द यूज ऑफ अनदर बुक विच इज अ पब्लिकेशन एशचान. ठीक है, आप एशचान का भी यूज कर सकते हो. सो फ्रॉम वेयर विल वी परचेस एनसीईआरटी नाउ? डोंट परचेस इट, आपको फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन ई पोर्टल पे. एनसीईआरटी का ई पोर्टल है, उस पर आपको फ्रीली अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लो और पढ़ाई करना चालू कर दो. ठीक है, बोथ आर इजी बेटा. अथर्व सीईटी इज ऑल्सो इजी एंड नीट इज ऑल्सो इजी. एंड इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी देन एवरीथिंग इज डिफिकल्ट. ठीक है, इट इज एसेंशियल टू यूज एनसीईआरटी फ्रॉम बीएएस. इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. इसके लिए मैंने बताया कि आपको एनसीईआरटी इज द बाइबल. ठीक है सर, इज यू हैव गिवन नीट? मेरे टाइम पे नीट नहीं था बेटा, व्हेन आई पास्ड आउट from my 12th standard na, so that time we didn't had a NEET, instead we had PMT, that is called as pre medical test, jo optional tha, yani maximum medical colleges mein jo admission hota tha wo hota tha on the basis of merit. To merit list lagta tha hamare board exam ke marks ke baad aur uske upar se hamare admissions hote. AIIMS ka sabse best college to beta Delhi hi hai. दिल्ली के बाद अच्छा आफ्टर एम्स आई सेड ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐसे बहुत सारे हैं. एक गंगाराम करके है जो दिल्ली में ही है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल राइट नाउ इन इंडिया. फिर बॉम्बे में है, बॉम्बे में जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव वन इंटरेस्टिंग, दैट इज केईएम करके है, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल करके है, या फिर नायर हॉस्पिटल है. तो ये सब हॉस्पिटल है सर. व्हेन कैन आई कॉल यू? मैं बोलता हूँ बेटा वेट, डोंट बी इन हरी. ओके, जीएमसी, यस वेरी गुड, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज जीएमसी में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, यानी बहुत अच्छा है वो. वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी दैट समबडी इज सेइंग दैट एम्स दिल्ली इज योर ड्रीम, एंड आई एम 100% श्योर इफ यू फॉलो आवर इंस्ट्रक्शंस योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दैट. गुड, चलो अभी थोड़ा सा ना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, नाउ स्टॉप योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. बीएचएमएस को कितना मार्क चाहिए? बीएचएमएस के लिए यू कैन, इवन इफ यू कैन स्कोर इन द रेंज ऑफ 400 टू 500, इट इज इनफ. ठीक है सर, इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क व्हाट इज योर कॉलेज? मैंने बताया ना आपको, होम्योपैथी में ग्रेजुएशन है मेरा. ठीक है, बताइए, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बीएचएमएस, ये वाला ग्रेजुएशन है मैं. ठीक है, हूँ डॉक्टर ही हूँ, असली सर्टिफिकेट है मेरे पास, डोंट वरी मानस, टेंशन मत ले. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. जो मुझे पढ़ाना है वो थोड़ा सा मुझे पढ़ाने दो, मेरे भाई लोग और उनकी बहन लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं. या somebody is constantly raising the hand, is there any problem? No. चलो ठीक है, तो लेट अस स्टडी दिस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नाउ. आपके डाउट्स और डिफिकल्टीज हम लोग, और शाम को आपका काउंसलिंग सेशन है, डू अटेंड दैट काउंसलिंग सेशन, तो उसमें भी काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. और अदरवाइज ऑल्सो यू कैन टेक माई नंबर, यू कैन टेक माई कॉन्टेक्ट नंबर लेटर ऑन, एंड देन यू कैन डेफिनेटली टॉक टू मी. ठीक है, कितने मार्क्स से हम MBBS को क्वालिफाई हो सकते हैं बेटा? एवरी ईयर दैट मार्क्स विल चेंज. एज आई सेड ना, इफ यू कैन स्कोर आउट ऑफ 720, इफ यू स्कोर से 550 और 575 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया ना, इट इज इनफ फॉर यू टू गेट एडमिशन इन एनी ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस. ठीक है, काउंसिलिंग का टाइम इवनिंग का है बेटा, आपको मीटिंग का आईडी आएगा. ठीक है, ग्रुप पे आ जाएगा, डोंट वरी. कट ऑफ एज सच होता नहीं है, लेकिन हर साल होता नहीं, इन द सेंस हर साल वो बदलते रहते हैं. एवरी ईयर इट विल चेंज, क्योंकि एवरी ईयर द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इज डिफरेंट. VJTI के लिए भी मार्क्स अच्छे होना जरूरी है. ठीक है, हम लोग VJTI थोड़ा सा साइड अलग हो जाता है बेटा. ओके, इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस. सर योर वॉइस इज नॉट गेटिंग, आई व्हाई इज माय वॉइस नॉट क्लियर? अवधूत को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. हाँ, देयर यू आर, जय इज ऑन राइट ट्रैक. सर प्लीज टीच अस नाउ. यस, चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग. सब जगह है, वैकेंसी भी है, सब कुछ है, मैं सब बताऊंगा बच्चा लोग. मैं खुद ही एक बार आपका डॉक्टर, एज अ डॉक्टर करके काउंसलिंग लूंगा, डोंट वरी. ओके, चलो लेट अस स्टडी एंड लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी. नाउ द क्वेश्चन इज कि बायोलॉजी का ग्रोथ कैसे हुआ होगा? जैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है दैट देयर इज वन इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड एज एवोल्यूशन. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो एवोल्यूशन लाइफ का हुआ है, करेक्ट?
लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ फॉर्म का एवोल्यूशन हुआ, ये तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन साइमल्टेनियसली फिर हम लोगों ने ये भी समझ लिया था दैट देयर वाज एन एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ का भी एवोल्यूशन हुआ है, एंड वी हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव सीन दैट अर्थ हैज इवॉल्व फर्स्ट एंड द लाइफ बिगिन ऑन द अर्थ लेटर ऑन आफ्टर सम बिलियन ईयर्स, करेक्ट। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये पूरा जो बायोलॉजी का साइंस है इसका स्टडी किसने चालू किया होगा, कब चालू किया होगा और कैसे चालू किया होगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी डू नॉट हैव एनी प्रॉपर एविडेंसेस टिल द टाइम वी हैड वन साइंटिस्ट हुज नेम इज एरिस्टोटल हु लिव्ड इन द ईयर 384 टू 322 BC एंड ही वॉज द पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड स्टडिंग एनिमल्स इन सफिशियंट डिटेल्स, यानी इन्होंने एनिमल का स्टडी चालू किया एंड दैट वॉज डन इन प्रॉपर डिटेल्स एंड बिकॉज ही इज ऑफिशियली अंडरस्टूड एज द फर्स्ट पर्सन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड the animals and their structures and their features, therefore Aristotle was given the name as father of biology. तो इनको बोला गया father of biology. अच्छा अभी father of biology है लेकिन इन्होंने किसका study किया था, he studied animals. फिर question आता है कि sir plant का क्या, तो plant का जो study किया था that was done by another scientist whose name is Theophrastus. अभी Theophrastus who survived in the year 371 to 278 BC, he was the person who started studying the plants. तो एक ने एनिमल का स्टडी किया, दूसरे ने प्लांट का स्टडी किया एंड therefore Theophrastus was given the name as father of botany. तो यहाँ पे Aristotle can also be called as the father of zoology. क्योंकि इसने एनिमल का स्टडी चालू किया था, इन्होंने एनिमल का स्टडी किया फॉर द फर्स्ट टाइम, इसके लिए उनको नाम दिया फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी। एंड इसके लिए बोला गया इससे पहले भी काफी सारे साइंटिस्ट रहे होंगे या फिर लोग रहेंगे जिन्होंने बायो का लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया लेकिन उसका प्रॉपर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग या फिर यू कैन से एविडेंसेस हमारे पास नहीं है टिल द टाइम एरिस्टोटल डिड दिस। तो एरिस्टोटल का जो वर्क है वो उन्होंने लिख के रखा, वो लिख के रखा करके हमारे साथ वो हमारे पास अवेलेबल है and that is when we say that father of biology is considered called as the Aristotle and father of botany is called as Theophrastus. फिर क्वेश्चन आता है कि सर फिर ये मेडिकल साइंस किसने ढूंढा, फॉर द फर्स्ट टाइम हु डिड दिस पर्टिकुलर मेडिकल साइंस का स्टडी, सो इट वॉज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय दिस साइंटिस्ट नोन एज हिपोक्रेट्स। और ये आपने नाम सुना भी होगा, थ्री इडियट्स में तो इसका नाम लिया गया था, बराबर है। तो हिपोक्रेट्स कौन है, तो हिपोक्रेट्स इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन क्योंकि इसने ये इस पर्टिकुलर लिविंग साइंस को रैशनलाइज किया फॉर ट्रीटिंग द सिक पीपल, यानी जो बीमार लोग थे उनको ट्रीट करने के लिए ये साइंस को थोड़ा रैशनलाइज किया, देयरफॉर ही वाज गिवन द नेम एज फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स है जिन्होंने हमारे ये साइंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। सो थ्री इंपॉर्टेंट पीपल, फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस एंड फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स हु सर्वाइव्ड इन द ईयर 462 377 BC। सो दिस पर्सन हैड डेफिनेटली रैशनलाइज्ड द साइंस टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन ट्रीट द पीपल। मतलब इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाया एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज ऑफ द डिसीज। तो बीमारी का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया बट ही कुड नॉट लेबल दैट पर्टिकुलर कंडीशन एज डिसीज क्योंकि उनको वो समझ में नहीं आया, पता ही नहीं था। लेटर ऑन मेनी साइंटिस्ट जैसे सुश्रुत इज अ साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम लेबल्ड दैट वर्ड एज डिसीज एंड सुश्रुत इज अ फिजिशियन बिलोंगिंग टू आयुर्वेदा मेडिसिन फ्रॉम इंडिया। तो इन्होंने सबसे पहली बार डिसीज और अलग अलग टाइप के डिसीजेस का डिस्कवरी किया। ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल द डिसीजेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने बाद में इसके ऊपर स्टडी किया, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट राइट नाउ एज एंड व्हेन द टाइम विल कम वी विल। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जूलॉजी बोला तो कौन होना चाहिए, एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन होना चाहिए, थियोफ्रेस्टस। एंड फादर ऑफ मेडिसिन कौन होना चाहिए, दैट इज हिपोक्रेट्स। तो ये तीन नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। नाउ अभी ये तीनों ने तो अपना काम करना चालू किया, फिर बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए एंड देन दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन अ डिफरेंट वे बाय अंडरस्टैंडिंग वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नाउ बायोलॉजी बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू लॉट ऑफ ब्रांचेस, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस है बट बाय एंड लार्ज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू
थ्री मेजर वेज, तीन अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ मेजर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कौन कौन से मेजर ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर से बायोलॉजी का डिवीजन हुआ है या फिर ब्रांचेस आए। फिर और एक आया इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड देन वी हैव द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट, हाउ वी स्टडी। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड अभी कौन कौन से ब्रांचेस है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बोलता हूँ एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि ये सब हम लोगों ने क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा। ठीक है, सबसे पहला द फर्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ मेजर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे मेजर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, कैन यू टेल मी विच इज द मेजर काइंड ऑफ, जो एकदम लार्ज क्वांटिटी में है। अगर जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन करना है तो ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन जनरल एज व्हाट सर, ह्यूमंस एंड ओके नहीं, जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन, ह्यूमंस आर व्हाट, ह्यूमंस आर किंगडम्स, वेरी गुड। और किंगडम में दो मेजर किंगडम कौन से हैं, कैन यू टेल मी टू मेजर किंगडम्स, दो मेजर किंगडम, आप फाइलम बोल रहे हो, कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट फाइलम हो गया, दो मेजर किंगडम, वेरी गुड मनस्वी हैज सेड दिस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, फैंटास्टिक, वेरी गुड, प्लांट्स एंड एनिमल, प्रोटिस्टा मोनेरा छोटे छोटे ग्रुप्स है, मेजर ग्रुप्स आर ओनली टू, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, लवली। तो बस वही मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक ब्रांच हो गया। तो सबसे पहला ब्रांच कौन सा आएगा, तो फर्स्ट ब्रांच इज बॉटनी। Yes, you also said this. बादल ने भी बताया था ये। Yes, yes, बादल। अभी इतने सारे मैसेज आ रहे हैं बेटा, एकदम कंटिन्यू स्क्रोल करते करते it is taking its own time. Anyway, तो सबसे पहला आता है बॉटनी, which is nothing but the study of plants. So that is first major group we have. Sir, if we have done PhD in botany, can we get? Of course, you can get a job. स्कोप खुद को बनाना है बेटा, अभी स्कोप किसी भी फील्ड में नहीं है, यू हैव टू क्रिएट अ स्कोप फॉर योर सेल्फ, आप अलग क्या करना चाहते हो ये दुनिया के लिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बाकी लाइफ में कहीं पे भी किधर भी स्कोप नहीं है। जॉब आपको मिलेगा रिसर्च फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, रिसर्च फील्ड में, रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज फॉर आयुर्वेदा, वहां पे आपको जॉब मिलेगा, यू कैन वर्क एज ए टीचर, तो काफी सारे ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। ठीक है, एंड ऑफकोर्स द सेकंड वन, द सेकंड मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म से जो ब्रांच आता है दैट इज नोन एज जूलॉजी, वेरी गुड ब्रांच, यस सेड दिस, सो जूलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एनिमल्स, तो ये एनिमल्स का स्टडी हो गया। वैसे ये दो मेजर ब्रांचेस है, और उसके साथ और एक इंपॉर्टेंट ब्रांच आता है जो हम लोगों ने जूलॉजी से थोड़ा उसको अलग कर दिया है, इसको हमने नाम दिया है ह्यूमन बायोलॉजी, वेर वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू स्टडी ओनली अबाउट ह्यूमन बींग्स, सो मैन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हिज रिलेशनशिप विथ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका अलग से हम लोग थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। यस यू कैन राइट दिस डाउन, सब लोग रनिंग नोट्स अपना बनाना चालू कर दो। ठीक है, व्हाइल आई एम टीचिंग यू आर सपोज टू राइट, तो रनिंग नोट्स लिखो, बिकॉज यू मस्ट नो व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस, क्योंकि आपको आगे चल के आपका खुद का करियर बनाना है, तो इसके लिए ब्रांचेस पता होना जरूरी है जो बायो से रिलेटेड है। वेरी गुड वेदांत, आई एम हैप्पी दैट यू आर राइटिंग। ठीक है, तो नाउ ज्योत्सना कुलकर्णी हैज रेज द हैंड। Yes, Josna, you have any problem, beta? Josna ने हाथ ऊपर किया था, वापस ले चुकी। चलो ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे in terms of major kinds of organisms. Okay, उसके बाद then we have the next important type. Now, बोलता हूँ taxonomy क्या होता है, सब बोलता हूँ, tension मत लो। Human physiology is study of functions of the human body. That is physiology. बोलता हूँ मैं, physiology भी आएगा. Okay? Now, the study of man and human society comes under a concept called as anthropology. So, it's a side, another important research field called as anthropology. Anthropos ka matlab aata hai man, logy ka meaning aata hai study. So, anthropological study is what we literally say this. Theek hai? Acha. Second one is in terms of special groups of organisms. Okay? So, usme सबसे पहला अभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैन एनी वन टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी हैव अराउंड अस, यस ऑर्गेनिज्म बोलो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, रेप्टाइल्स ओके, मल्टीसेल्युलर, अरे ऑर्गेनिजम्स, मैमल ओके फाइन, एज ऑर्गेनिजम्स, तुम लोग मुझे क्लासेस बोल रहे हो, तुम लोग मुझे फाइलम बोल रहे हो, एम्फीबियंस होते हैं ओके, एक्वेटिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलो, बैक्टीरिया होता है क्या, बैक्टीरिया
बैक्टीरिया, यस बैक्टीरिया होता है, फिर वायरसेस होते हैं। हाँ देखो अभी सब लोग धड़ा धड़ आंसर करना चालू कर रहे। देखो वायरस और क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, उसके साथ कौन आएगा? बैक्टीरिया और वायरस आ गया तो साथ में कौन आएगा? फंगाई, फंगस। तो देखते हैं सबसे पहला साइड विच वी हैव इज कॉल्ड एज बैक्टेरियोलॉजी। वेरी गुड। फंगाई, फंगस, पाइथॉन्स। बाप रे पाइथॉन भी डाल रहे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जोसना ने जनरली बोल दिया सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा ले लो, टेंशन ही मत, ज्यादा पूछना ही मत। वेरी गुड। सो माइक, ये तुम लोग है ना बीच बीच में ऐसे हाथ के ऊपर गलती से हो रहा है क्या? हाथ ऊपर आप लोगों का समझ में नहीं आ रहा है मुझे। चलो वेरी गुड। फंगाई, डिकम्पोजर्स, मोनेरा। ओके ओके ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। चलो वेरी गुड। तो नाउ वी हैव द फर्स्ट वन दैट इज बैक्टीरियोलॉजी। अभी नाम से पता चल रहा है, एनी वर्ड व्हेन इट एंड्स विद लॉजी मीनिंग व्हाट? एनी वर्ड व्हेन इट एंड्स विद लॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ व्हाट? बैक्टीरिया। सो दैट इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, सो दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। सो इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है जो बायोलॉजी में आता है। फिर इसके बाद वी हैव वायरोलॉजी। तो ये तो बताने की अभी जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये तो हमारा रिसेंट इम्पोर्टेंट इश्यू है, वायरसेस। सो इट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ वायरस। और आजकल सबसे ज्यादा जो वायरस स्टडी हो रहा है वो तो हम लोग को पता ही है, जो हमारे घर में भी अभी घुसना चालू कर दिया धीरे धीरे इसने, दैट इज COVID-19, कोरोना वायरस। ठीक है, द डेडलीएस्ट वायरस, सो कॉल्ड डेडलीएस्ट वायरस विच इज अफेक्टिंग आर बॉडीज, आर फैमिलीज, आर पीपल अराउंड अस। ओके चलो वायरोलॉजी। तुम लोगों को पता है क्या, दिस इज जस्ट अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट विच वी हैव COVID-19, ये जो वायरस है ना इसका स्टडी मेडिकल के साइंस में, मेडिसिन नाम का एक सब्जेक्ट आता है, उसमें हम लोगों ने भी पढ़ा था इसको। When I was in my third year of graduation in medical college, तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने ये वायरस पढ़ा था, called as COVID-19 वायरस। इसके बहुत सारे स्ट्रेन है, COVID-16, 17, 19, 20, ऐसे अलग अलग स्ट्रेन है। तो उसमें से ना ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेन है, लेकिन उस टाइम पे हमारे बुक में उसका नाम COVID-19 नहीं था, वहां पे सिर्फ कोविड वायरस इतना ही था। ये 19 इसके लिए दिया है क्योंकि ये साल आया इसके लिए। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रेन है इसके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ना उस टाइम पे भी पढ़ा था, बट बिलीव मी ये कोविड वायरस जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसका जो नेचुरल वायरस, ये नेचुरल वायरस का जो इफेक्ट और इम्पैक्ट जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं है जितना अभी हो रहा है ये COVID-19 की वजह से। एंड दैट इज वाई वी एवरी मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड द एंटायर वर्ल्ड हैज अ डाउट दैट दिस वायरस इज नॉट अ नेचुरल वन बट इट इज अ मेड ह्यूमन मेड वायरस। तो इसके लिए वो डाउट्स ज्यादा आते हैं कि इसको जेनेटिकली इंजीनियर करके, यानी इसके जीन्स को बदल के, उसके डीएनए को बदल के वायरस को रिलीज किया गया है। अदरवाइज दिस पर्टिकुलर वायरस वॉज ऑलवेज देयर अराउंड अस। ऐसा नहीं कि यह वायरस हमारे साथ नहीं था, ये हमेशा था, लेकिन थोड़ा सा सर्दी खांसी लाके खत्म कर देता था, यानी पता भी नहीं चलता था कि सर्दी खांसी हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, चला गया, करेक्ट। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई किया ना, इसके लिए ज्यादा डेंजरस हो गया। सो वी aren't sure whether it is man-made or natural. It is definitely man-made. That is for sure. क्योंकि उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है, इसके लिए उसको हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इट्स अ मैनमेड वायरस। चलो वायरोलॉजी हो गया। अभी वायरस के साथ बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया तो फंगाई तो आ गई। तो स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज माइकोलॉजी। सो इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ फंगा। तो दिस वन इज अनदर ब्रांच विच वी हैव विद अस। देन वी हैव नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। एंटोमॉन का मीनिंग आता है इंसेक्ट, लॉजी का मीनिंग आता है स्टडी। सो वॉट इज एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, विच इज द फाइलम Which has these particular insects? ये सारे कीड़े मकोड़े कौन से फाइलम में आते हैं? Can anyone tell me? Under which phylum all these insects they come? Very good. Kunjan has already said this. Arthropoda, arthropoda, arthropoda. Sir, I recently read that COVID virus came before. बापरे, पता नहीं. Arthropoda, arthropoda, arthropoda. हो सकता है बेटा. That वो reference मेरे पास है नहीं अभी. Very good, fantastic. So everyone knows that it belongs to a phylum called as Arthropoda. And remember, children, Arthropoda is the largest phylum in all the kingdom classification. Dunya bhar mein jitne bhi kide makode, they all belong to this particular phylum. That's called as Arthropoda. Okay? So that is why it is considered as the largest phylum
in this entire kingdom classification, right? Fantastic. So everyone knows this. So this is known as entomology, correct? So I hope everyone is writing this down. Bacteriology is study of bacteria. Virology is study of virus. Mycology is study of fungus. And entomology is study of insects. ठीक है, तो ये सब होते हैं हमारे अलग अलग टाइप के ब्रांचेस बेस्ड ऑन इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलो आगे और बढ़ते हैं थोड़ा। नाउ नेक्स्ट वन इज इक्थायोलॉजी। इक्थायोस का मीनिंग आता है वैरायटीज ऑफ फिश, एंड लॉगस और लॉजी का मीनिंग आता है स्टडी। सो व्हाट इज इक्थायोलॉजी? इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ फिश। फिश का क्या स्टडी करने का सर? कुछ भी, फिश को तो खाते हैं, स्टडी थोड़ी ना करते। कौन पढ़ाई करेगा उसके बारे में? मस्त आया सामने कि उसको फ्राई करो और खा जा, सबसे बेस्ट है ना, कौन इतना दिमाग लगाएगा। लेकिन है, करना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट साइंस है। फिश के अलग अलग वैरायटीज होते हैं, उनकी अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है, उनके अलग अलग टाइप के सर्वाइवल्स होते हैं, तो वो सब देखना पड़ता है ना, तो उसके लिए इनका स्टडी करना जरूरी है। Because we know that variety of fish found in ocean is different. Variety of fish found in ponds or lakes or river is going to be different. कुछ ऐसा एक region होता है उसको हम लोग बोलते हैं estuary. Estuary का meaning क्या आता है? Estuary का मतलब आता है mix of ocean water as well as the fresh water, यानी river water. तो वो mix करके एक region बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं estuary. तो वहां पे survive करने वाले fish अलग होते हैं, तो naturally इनका तो study करना ही पड़ेगा ना भाई। खाने से पहले पता तो चले कि इनमें कुछ बीमारियां है या नहीं, सिर्फ खाएंगे ऐसे भुक्कड़ की तरह तो कैसा चलेगा, तो इसका भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल दिस एज इक्थायोलॉजी। सर फॉर स्टडिंग वेजी वेटरनरी साइंस डू वी नीड टू हैव नॉलेज? यस, यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ ऑल दिस मिस्टर अद्वय, मास्टर अद्वय, यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल दिस इवन इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ वेटरनरी डॉक्टर, बिकॉज इट इज बेसिकली अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है अद्वय, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Good. Next one is sir, what about algae? See, algae belongs to a particular part jisme iska alag se study nahi hota hai, but yes, they will belong to something called as microbiology. Theek hai, to algal study jo hota hai na, wo microbiology naam ka ek branch aata hai, uske under usko study kiya jata hai, right? Then we have herpetology. हर्पेट का मीनिंग आता है क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप ऑफ एनिमल, तो उसमें स्नेक आएगा या फिर रेप्टाइल्स आते हैं, या फिर इवन एम्फीबियंस आर कंसिडर्ड अंडर द सेम, दो दे आर नॉट क्रीपिंग और क्रॉलिंग, लेकिन एम्फीबियंस का भी स्टडी हर्पेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। सो इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे घर में होता है ना, नाइस एंड ब्यूटिफुल एनिमल कॉल्ड एज लिजर्ड, छिपकली, जो सबसे पसंदीदा सबसे फेवरेट एनिमल है सबका, सबके घर में रहता है, ऐसे लगता है कि सब लोगों ने इसको पाला हुआ है, तो वो जो ब्यूटीफुल एनिमल है ना, उसका स्टडी हम लोगों को करना पड़ता है। स्नेक्स का स्टडी करो, टर्टल का स्टडी करो, सो ऐसे कितने भी रेप्टाइल्स है उनका स्टडी किया जाता है। यू डोंट लाइक, आई नो यू हैव टू लाइक इट इफ यू वांट टू बिकम अ फिजिशियन। सर आई वांट टू बिकम फूड सेफ्टी ऑफिसर। बनो भाई, आई डोंट लाइक फिशरीज, कैन आई ऑफकोर्स सी इफ यू आस्क मी ना कि सर मुझे ये बनना है मुझे जॉब मिलेगा क्या, मुझे ये करना है मुझे जॉब मिलेगा क्या। अच्छा, मैं तो मोदी जी हूं नहीं, ना ही मैं इंडिया की गवर्नमेंट हूँ, ना ही मैं यूएस की गवर्नमेंट हूँ कि मैं आपको बोलूंगा कि ये सबको जॉब मिलेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा। एज आई सेड, एवरी फील्ड हैज इट्स स्कोप एंड लिमिटेशन। यू हैव टू क्रिएट अ स्कोप फॉर यूर सेल्फ। इफ यू आस्क मी राइट नाउ, देर इज नो फील्ड वेयर यू हैव अ स्कोप। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पे स्कोप नहीं है, करेक्ट? लेकिन आप उसको स्कोप में कन्वर्ट कर सकते हो। इट ऑल इज डिपेंडिंग अपॉन यू। यस, थैंक यू बच्चा प्रांजलि, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर सेइंग दिस। सर आई हैव टर्टल एज पेट, लेकिन टर्टल एज अ पेट प्रैक्टिकली लेट मी टेल यू, लीगल इट इज नॉट अलाउड, थोड़ा संभाल के रहो। ठीक है सर, डू एनिमल्स डाइसेक्शन इंक्लूड्स लिजर्ड्स? ऑल राइट, इफ यू वॉन्ट यू कैन हैव, लेकिन लिजर्ड का डाइसेक्शन नहीं होता है। अभी आप लोगों को 11th में अर्थवर्म का डाइसेक्शन होता था, लेकिन वो भी बंद किया है। तो और एक ब्यूटीफुल एनिमल है जिसका डाइसेक्शन अभी आजकल हम लोग करते हैं, दैट इज कॉकरोच। नाइस एंड ब्यूटीफुल एनिमल जो हमारे जैसा ही होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉकरोच। तो उसका स्टडी और उसका डाइसेक्शन करते हैं, और
ऑफ कोर्स आप मेडिकल साइंस में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में ही आपको डाइसेक्शन आएगा ह्यूमंस का। चलो देखते हैं, तो ये हो गया हमारा हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के बाद आता है ऑर्निथोलॉजी। फ्रॉग नहीं है बेटा, फ्रॉग इज बैंड नाउ। आकांक्षा, फ्रॉग बंद कर दिया है क्योंकि चाइना में फ्रॉग को खाते हैं, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेपल डाइट इन कंट्रीज लाइक चाइना, इसके लिए उसका डाइसेक्शन बंद हो गया है। सर नीट का सिलेबस क्या होता है? मैं बोलता हूँ अभी आपको नीट का सिलेबस क्या होता है। ऑटोप्सी इज डिफरेंट। ऑटोप्सी इज योर दिस जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, पोस्टमार्टम बोलते हैं उसको, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोप्सी। तो वो क्यों करना है आपको, ऑटोप्सी क्यों करते हो? चाइना क्या नहीं खाता, चाइना सब कुछ खाता है, नो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोस का मीनिंग आता है बर्ड्स, लोगस का मीनिंग आता है स्टडी। सो व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी? इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स का भी स्टडी किया जाता है। अच्छा ये सब क्यों करने का, कौन ये दिमाग लगाता है? सब येड़े लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज पीपल ओनली वी नो व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, what do they like, how they survive, what are their natural tendencies, how they are changing themselves to survive in the given environment. तो ये जो है ना ये बहुत बड़ा साइंस और ये बहुत बड़ा स्टडी है। तो ये सब पागल येड़े लोग नहीं है जो इतना सारा पढ़ाई कर रहे हैं, ये जरूरी होता है ये साइंस के लिए, करेक्ट। सो इक्थायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ फिश। हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एज वेल एज रेप्टाइल्स। मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, डॉक्टर हूं मैं बाय प्रोफेशन, डॉक्टर का हैंडराइटिंग समझता नहीं है, तो प्लीज समझने की कोशिश करो। ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, टू स्टडी ऑल दिस मिनट टू किल देम, नॉट नेसेसरी सबको मारने का क्यों, ठीक है, जितने हैं एनिमल स्टडी में उनको ही मारने का, सबको नहीं मारने का, ठीक है। वॉट आर द बुक्स? यस मैं बोलता हूँ बेटा नीट के लिए सारे बुक्स, प्रांजलि में सब कुछ बोलता हूँ आपको, डोंट वरी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, आई होप एवरीवन इज राइटिंग दिस, आरआईपी बर्ड्स, मानस पागल हो गया, ठीक है। सर डॉक्टर का हैंडराइटिंग खराब क्यों होता है, अभी वो मैं बाद में बताऊंगा, ओके चलो। नेक्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑफ स्टडी, वो इसके लिए खराब होता है ताकि पेशेंट को समझ में ना आए कि मेडिसिन क्या लिखा है, जस्ट जोकिंग, टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। चलो नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट स्टडी विच वी हैव इज एनाटॉमी। अभी थोड़ा इधर अभी इधर ध्यान दो, वेदांत पागल हो गए, इधर ध्यान दो, ठीक है। एनाटॉमी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज सीन इन डिसेक्शन। किसी ऑर्गेनिज्म को अगर जब लोग काटते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, तो डाइसेक्ट करने के बाद जो भी स्टडी आता है, जो भी हम लोगों को दिखता है, वी कॉल दैट एज एनाटॉमी। जैसे यहाँ पे तीन फोटोग्राफ्स है, तो उसमें से सेकंड वाला जो फोटोग्राफ है ना, ये वाला, तो दिस यू आर गोइंग टू डू इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल साइंस। तो आप लोगों को ऐसा डेड बॉडी दिया जाएगा, एकदम बेस्ट टॉपमोस्ट कॉलेजेस रहेंगे, यस ह्यूमन का ही ऑफ कोर्स, ह्यूमन को मार के नहीं है, जो ऑलरेडी डेड रहते हैं, जो अपना अपना बॉडी को जैसे यू नो डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे होता है फर्स्ट ईयर ऑफ योर मेडिकल साइंस। पहला साल जब आपका होता है, द मोमेंट यू एंटर इन द कॉलेज, Within a day or two, you will be taken to anatomy lab. आपको ये lab में लिया लेके जाया जाएगा, and then you will be asked to stand in front of a dead body. तो पहले ही दिन आप किसी को चक्कर आएगा, किसी को vomiting होगा, किसी को कैसा तैसा होना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो जो dead body preservative में रखते हैं, that preservative is called as formalin. और formalin का smell एकदम irritating होता है. But believe me, सबसे important और सबसे interesting डिपार्टमेंट अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज में है तो ये वाला है, दैट इज एनाटॉमी, एंड बिलीव मी इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग फॉर ऑल। मैं हर साल ये करता हूँ कि नासिक में स्पेसिफिकली मैं ये करता हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम नासिक, तो मैं नासिक के लिए स्पेसिफिकली ये करता हूँ कि आई वॉज टीचिंग इन वन ऑफ द मेडिकल कॉलेज, तो जो भी बच्चे मेरे साथ होते हैं नीट के लिए, उन लोगों को मैं 11th स्टैंडर्ड में मेडिकल कॉलेज में लेके जाता हूँ, एंड आई मेक देम सी ऑल दीज डिपार्टमेंट्स। तो वो कॉलेज में जाके मैं आप लोगों को ये सारे डिपार्टमेंट्स ये साल भी दिखाऊंगा, अगर हमारा ऑफलाइन क्लास चालू हो जाता है तो, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर दिखाऊंगा, ठीक है। बट आई विल डेफिनेटली टेक यू ऑल, दो जो लोग नीट के लिए मेरे पास एनरोल रहेंगे, वो सब स्टूडेंट्स का एक फील्ड विजिट होगा जहां पे मैं आपको मेडिकल कॉलेज में लेके जाने वाला हूँ।
और औरंगाबाद के लिए भी यस आई एम ट्राइंग, औरंगाबाद के लिए भी मुझे एक कॉलेज मिला है, ऐसा हो सकता है कि हम लोग वहां पे भी डेफिनेटली जाएंगे। औरंगाबाद में अभी तक मैंने किया नहीं है लेकिन क्योंकि वो चांस ही नहीं मिला मुझे, लेकिन औरंगाबाद के कॉलेज के साथ मेरा बात चल रहा है, मेरा फ्रेंड है वहां पे, सो ही सेड कि यू कैन ब्रिंग योर चिल्ड्रन हियर फॉर द फील्ड विजिट, तो मैं औरंगाबाद के बच्चों को भी लेकर जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये फील्ड विजिट कंफर्म रहेगा मेडिकल कॉलेज में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेडिकल कॉलेज में क्या क्या होता है। एंड बिलीव मी, मेडिकल कॉलेज के डेज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेज। आज भी मैं वो कॉलेज के डेज को मिस करता हूँ, और आज भी मुझे ऐसे लगता है आई फील नॉस्टैल्जिक व्हेन आई एंटर इन माय कॉलेज। ठीक है, दैट इज द अटैचमेंट एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस। करेक्ट, तो सबसे एकदम मेडिकल कॉलेज अगर जबरदस्त रहेगा ना, तो एक डेड बॉडी दो स्टूडेंट्स को दिया जाता है। जैसे अभी ये थर्ड फोटोग्राफ में देखो, बॉडी इज डिविजिबल इंटू टू पार्ट्स, तो ये वाला एक पार्ट, एक साइड का स्टडी एक स्टूडेंट करता है, दूसरे साइड का स्टडी दूसरा स्टूडेंट करता है। कुछ कॉलेजेस में 5 या 6 स्टूडेंट्स मिलकर एक डेड बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, कुछ कॉलेजेस में 10 का ग्रुप रहता है, 15 का ग्रुप रहता है जो एक डेड बॉडी को डाइसेक्ट करता है। और डेड बॉडी का डाइसेक्शन जब होता है ना, ह्यूमन डाइसेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें 3 मेजर रीडिंग, कौन कौन सा, सबसे पहला आता है हेड नेक ब्रेन यानी ये वाला रीजन पूरा, फिर उसके बाद आता है थोरैक्स एंड एब्डोमिन यानी चेस्ट रीजन और एब्डोमिनल रीजन, फिर आता है अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। तो ऐसे 3 मेजर हेडिंग्स में पूरा डेड बॉडी का डाइसेक्शन होता है। एंड लेट मी टेल यू व्हेन, यस कंपलसरी होता है ये, 100% कंपलसरी, और ये करना ही है, इसको तब मिस ही नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस, जो अब जो जनरली मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब व्हेन आई वाज इन माय मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर में मैंने 3 डेड बॉडीज का डाइसेक्शन किया है, मैं और मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स थे, तो हम तीनों ने मिलकर 3 अलग अलग डेड बॉडीज का डाइसेक्शन किया था, जिसमें से एक डेड बॉडी का पूरा डाइसेक्शन होने के बाद उसके सारे ऑर्गन्स को हमने प्रिजर्व किया, फिर दूसरे डेड बॉडी से डाइसेक्शन होने के बाद उसके ऑर्गन सिस्टम्स को हम लोगों ने प्रिजर्व किया, फिर तीसरे डेड बॉडी का डाइसेक्शन होने के बाद उसके बोन्स को हम लोगों ने प्रिजर्व किया, और उसमें से कुछ बोन्स आज भी मेरे पास है जो मैं आप लोगों को लेके आऊंगा क्लास में दिखाने के लिए, नासिक में भी और औरंगाबाद में। ठीक है सर, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आई एंजॉयड दैट। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट इज द वन जो हम लोगों ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आया था हम लोगों को। और मैं तो बोलता हूँ, मैं खुद एक्चुअली ये डिपार्टमेंट में कंटिन्यूसली बैठा रहता हूँ। मैंने अपने आपको कभी वो डिपार्टमेंट से बाहर निकाला ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, नेक्स्ट ईयर से वो ये डिपार्टमेंट में कोई पूछता भी नहीं, आपको सब भगा देते, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे आ जाते हैं ना नेक्स्ट वाले, तो वो सब आपको भगा देते। तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये 2 डिपार्टमेंट मेरे फेवरेट है, वहां पे जाके मैं बैठता था हमेशा और बहुत मजा आता, बिल्कुल नहीं मुझे उल्टी भी नहीं है और कुछ भी तकलीफ नहीं। ठीक है, सो दिस इज योर एनाटॉमी ब्रांच। देन वी हैव मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीनिंग व्हाट? द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्सटर्नल फॉर्म, एक्सटर्नल फॉर्म का जो स्टडी होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। सर महाराष्ट्र में कौन से सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज है? मैंने बताया ना, बॉम्बे का कॉलेज है, बॉम्बे में KEM है, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है, या फिर नायर हॉस्पिटल का एक कॉलेज है, या फिर पुणे में जाओगे तो वहां पे आपको रहेगा दैट इज ससून हॉस्पिटल का, दैट इज BJ मेडिकल। तो ऐसे काफी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है जो महाराष्ट्र में। ठीक है सर, इज इट नेसेसरी टू बाय? नो, मेडिकल में फर्स्ट ईयर में लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में लेना ही पड़ता है, कंपलसरी है। तो ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट्स है ना, तो प्लांट्स के रूट सिस्टम कैसा होता है, शूट सिस्टम क्या होता है। अभी शूट सिस्टम में क्या क्या आएगा? शूट सिस्टम में लीफ आएगा, फिर उसके साथ यू नो स्टेम आएगा, स्टेम के साथ फिर फ्लावर आएगा, फ्लावर के साथ बर्ड आएगा, फिर फ्लावर के साथ फ्रूट आएगा, फिर सीड आएगा। तो ये सब आता है कहाँ से? आता है शूट सिस्टम। सो प्लांट का मेजर डिविजन इज शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। तो उसका एक्सटर्नल स्टडी, एक्सटर्नल फॉर्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। एंड देन वी हैव हिस्टोलॉजी। तो देखो ना, अभी मैंने एनाटॉमी ने इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर देखा, मॉर्फोलॉजी ने एक्सटर्नल ग्रॉस स्ट्रक्चर देखा। अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म का टिश्यू देखना है, मैंने ऑर्गन्स तो देख लिया, अभी मुझे टिश्यू देखना है, तो हाउ डू आई स्टडी दैट? सो इट कैन बी स्टडीड अंडर दिस ब्रांच कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। सो इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोस का मीनिंग आता है टिश्यू, सो यू कैन राइट हियर एज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। यहाँ पे उन्होंने लिखा, देखो, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स ऑफ टाइनी बिट्स ऑफ द बॉडी एज सीन विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन यहाँ पे ना, ये हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू पढ़ रहे, वी आर नॉट स्टडिंग द सेल। ऋतुजा ये क्या क्वेश्चन है सर, कितने लोग है और
मतलब ऋतुजा ने कुछ पूछा मुझे, सर कितने, अच्छा कितने लॉजी है, बहुत सारे लॉजी है। देखो अभी आप हिस्टोलॉजी, तो ये हो गया हमारा टिश्यूज, चलो मैंने टिश्यूज, अच्छा मतलब अभी ये तीन हेडिंग्स हो गए, कौन कौन से, एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब आता है ग्रॉस स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, मॉर्फोलॉजी मतलब ग्रॉस स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, ओके, एंड हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो मैंने टिश्यूज तो पढ़ लिया, नाउ इफ आई फर्दर एंटर इन, टिश्यूज आर फॉर्म बाय व्हाट, टिश्यूज आर फॉर्म बाय द, यस टिश्यूज आर फॉर्म बाय व्हाट, बोलो शेमड़े लोग, टिश्यूज आर फॉर्म बाय सेल्स, वेरी गुड, सो मुझे सेल्स का भी स्टडी करना पड़ेगा, सो स्टडी ऑफ सेल्स हियर विल बी कॉल्ड एज व्हाट, साइटोलॉजी। सो साइटोस और काइटोस का मतलब आता है सेल, लॉजी का मीनिंग आता है स्टडी, सो इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सेल, वेरी गुड, सो स्टडी ऑफ सेल भी हो जाएगा, सो दिस इज साइटोलॉजी। देन वी हैव फिजियोलॉजी, जो मैं अभी बोल रहा था मेडिकल कॉलेज में अनदर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड एज फिजियोलॉजी, इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स, सो दिस इज सेकंड डिपार्टमेंट। ये एक और एक डिपार्टमेंट होता है मेडिकल कॉलेज में विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल, आप लोगों ने सुना होगा ना ब्लड रिपोर्ट करते हैं या फिर यू नो यूरिन रिपोर्ट करते हैं या फिर ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के स्टडीज होते हैं ना बॉडी फ्लूइड्स का, सो दैट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ डिसीज इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टडी ऑफ डिसीज इज डिसीज ओनली ना, डिसीज का स्टडी यानी उसको अलग से कुछ नाम दिया नहीं है बेटा, ठीक है। स्टडी ऑफ मसल्स कैन ऑल्सो बी, यस माइकोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है, मसल्स कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन फिजियोलॉजी। एक्चुअली फिजियोलॉजी इज मोर और लेस रिलेटेड टू द फंक्शंस, जैसे एनाटॉमी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू द फंक्शंस जैसे ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे ना ये डिपार्टमेंट जब फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो ये डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ना आपको आपके खुद का ब्लड का स्टडी करना पड़ता है, मतलब बोले क्या बोलेंगे, आपको एक छोटा सा निडल देते हैं उसको स्टिलेट बोलते हैं, तो उसको लेके ऐसा उंगली के ऊपर पिन प्रिक करने का, और प्रिक करके उंगली से अपनी उंगली से ब्लड निकालो, फिर उसको धीरे धीरे उसको एक्सपेरिमेंट के लिए और स्टडी करने के लिए जैसे नो कव इस पे क्या बोलते हैं हम लोग स्लाइड पे डालो या फिर जो भी स्टडी रहेगा तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, यानी आपको आपके खुद के ही ब्लड का आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब स्टडी होता है, तो ऐसा ये सारा स्टडी जो भी लैब रिपोर्ट हम लोग बोलते हैं ना लैब रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट, तो ये सारे लैब रिपोर्ट कहाँ होते हैं, सो दैट इज स्टडीड इन फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ मेंटल बिहेवियर साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ मेंटल बिहेवियर, ठीक है, एंड साइकियाट्री इज स्टडी ऑफ एबनॉर्मल मेंटल बिहेवियर, अगर एबनॉर्मलिटी की स्टडी करनी है तो उसको हम लोग साइकियाट्री बोलते हैं, और साइकोलॉजी का मतलब आता है स्टडी ऑफ मेंटल बिहेवियर। तो फिजियोलॉजी ये एक इंपॉर्टेंट साइंस है, देन वी हैव एम्ब्रियोलॉजी, ये तो आपको पता ही रहेगा, एम्ब्रियो इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द डेवलपमेंट ऑफ अ इनिशियल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल, ठीक है, सो द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टडी है जो हम लोगों को करना है या जिसके बारे में हम लोगों को समझना है, ठीक है। सो ये इस तरीके से अलग अलग स्टडीज हैं, सो दैट दीज आर ऑल द इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑफ स्टडी। देन फ्यू मोर, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या आता है, टैक्सोस का मीनिंग आता है अरेंजमेंट, नोमिया का मीनिंग आता है, नोमिया का मीनिंग आता है नेमिंग मेथड। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव दिस किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज हायरार्की ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी, तुम लोग क्या मेरा टेस्ट ले रहे करे सार्थक है, फटके मारेगा मेरे को अभी, देख किंगडम क्लासिफिकेशन है ये, तो किंगडम सबसे पहला किंगडम आएगा, मैं ऐसे ही जोक कर रहा हूँ सार्थक, डोंट वरी, किंगडम आएगा सबसे पहले, फिर आएगा फाइलम, फिर आएगा क्लास, फिर आएगा ऑर्डर, फिर आएगा फैमिली, फिर आएगा जीनस, फिर आएगा स्पीशीज, तो ऐसा ये पूरा हायरार्की ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन, यस इज डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव योर ओन क्वेश्चंस। क्या ये केपीसी ऑफ जीएस, ओके चलो, किंगडम फाइलम क्लास ऑफ ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, वाई नाइस, चलो टैक्सोनॉमी का मतलब आता है द साइंस ऑफ नेमिंग, ठीक है, ये जो जो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ओके, फिलेंथोलॉजिस्ट, ओके ठीक है गुड, फिलेंटोलॉजिस्ट, ये क्यों करना है भाई तेरे को, इसमें क्यों इंटरेस्ट आया,
अच्छा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज आई थिंक ये है एरिस्टोटल तो था ही, उसके साथ आई थिंक विटेकर इज वन ऑफ द नेम ऑफ और द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली नाउ, लेकिन आई गेस इट इज विटेकर। यस एमडी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में नहीं बेटा, एमडी होता है साइकेट्री में, एमडी साइकेट्री में होता है, साइकोलॉजी में नहीं होता। चलो एनीवे किंगडम क्लासिफिकेशन देखो, सो यस रॉबर्ट विटेकर, तो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, वी कॉल दिस एज व्हाट, वी कॉल दिस एज हायरार्की ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। सो एवरी ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी इज क्लासिफाइड अंडर दिस। अभी ये ना हायरार्की ऐसे ही रहता है, पहला किंगडम आएगा, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। नाउ हाउ डू वी रिमेम्बर दिस, इसको याद कैसा रखेंगे, तो थोड़ा ना अपने बारे में ही हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं। जस्ट चेंज द इंक हियर, मैं रेड कर लेता हूँ। अपने खुद के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। व्हेन आई वाज बोर्न आई न्यू दैट आई एम अ ह्यूमन स्पीशीज। हाँ कार्ल लिनेस भी है, करेक्ट, कार्ल लिनेस, राइट राइट, यू आर राइट, टैक्सोनॉमी कार्ल लिनेस का नाम है, करेक्ट। सो जी स्पीशीज, सो व्हाट इज स्पीशीज, जैसे अभी मुझे याद रखना है ना हायरार्की। देखो क्या होता है ना, स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग क्लोजेस्ट सिमिलैरिटी, सबसे क्लोज सिमिलैरिटी, एंड द वन हु कैन इंटरब्रीड, जो एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हैं। जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम के एनिमल एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते नहीं है। सो स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ एनिमल हैविंग क्लोजेस्ट सिमिलैरिटी, फिर धीरे 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 वो बढ़ते जाता है। नाउ सो हाउ डू वी रिमेम्बर दिस एंटायर फ्लो, इसको कैसा याद रखें, तो उसको हम लोग नीचे से शुरुआत कर सकते हैं। देखो सुनो मेरी बात, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, वेन आई वॉज बॉर्न आई न्यू दैट आई एम अ ह्यूमन स्पीशीज, करेक्ट, अ ह्यूमन स्पीशीज लाइक मी न्यू राइट सिंस बर्थ दैट आई एम जीनियस, जीनियस की जगह जीनस लिख दिया। A genius person like me got a nice and beautiful family. Correct? This family then ordered me to go to school. When I went into my school, I got my first class. And when I went into my first class, I got my favorite division. So phylum slash division. ये बोलता हूँ मैं ये क्या होता है? And when I got my favorite division, I became the king of my school. ठीक है, ऐसे खुद की लाल कर लेने का। So when I was born, I knew that I am a human species. A human species like me knew that I am genius right since beginning. A genius person like me got a nice and beautiful family. My family ordered me to go to school. When I went into my school, I got my first class, and then I got my favorite division. The moment I got my favorite division, I became the king of my school. Abhi phylum slash division. Phylum, when it comes to animals. Kingdom Animalia mein phylum rahega. Division, when it comes to plants. So plants aayenge to division. Chalo sir, itna kaha yaad rakhenge, itne bade bade sentences. Mujhe to pata hai, main khud bhi genius hoon. So how do I remember this? So you can always remember this like this. Also, keep pot clean. Or family gets sick. Simple. है ना, वॉशरूम जाके यार पॉट क्लीन नहीं किया तो फैमिली मेंबर सिक हो सकते हैं। सो यू कैन रिमेंबर दिस एज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप का के स्टैंड फॉर किंगडम, पी का पी, पॉट का पी स्टैंड फॉर फाइलम, देन सी क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज। ठीक है सर, विच लिंक यू पोस्ट द रिकॉर्डिंग। अच्छा ये क्या होता है सर, डोंट वी स्टडी एक्सटर्नल पार्ट, लाइक पढ़ते हैं ना बेटा, लेकिन दैट इज अंडर डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन, तो स्किन का जो डेरिवेटिव होता है ना, स्किन डेरिवेटिव बोलते हैं उसको, तो वो दैट कम्स अंडर डर्मेटोलॉजी, तो वो अलग पार्ट है। ठीक है, यस लाइफ एंड डोमेन इज नॉट नेसेसरी टू लर्न, वो आता ही है ना बेटा, लाइफ इज लाइक जनरलाइज, तो उसमें सारे 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 ऑर्गेनिज्म होते हैं। डोमेन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ टू स्टडी, वो हम लोगों को है नहीं स्टडी के लिए। सो वी स्टार्ट विद द किंगडम। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमी, तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग, और ये सारे स्टडी को क्या बोलते हैं, दिस एंटायर स्टडी इज नोन एज द सिस्टमैटिक्स, ऐसा उसको बोला गया है। सो दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। देन वी हैव इकोलॉजी। अभी इकोलॉजी तो सबको पता ही है, इकोलॉजी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द इकोसिस्टम,
बराबर है, जो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है. सो रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी और इकोसिस्टम. तो उसका स्टडी होगा. एंड देन वी हैव, यस आई विल डेफिनेटली आस्क समबडी टू सेंड अ रिकॉर्डिंग, डोंट वरी. देन वी हैव बायो जियोग्राफी. अभी नाम से ही पता चलता है, बायो मतलब बायोलॉजी, जियोग्राफी मतलब लैंड, द सॉइल. ठीक है, सो इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कौन से एरिया में कौन से टाइप के प्लांट्स, कौन से टाइप के एनिमल्स रहते हैं, तो उसका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टडी होता है. सो वी कॉल दैट एज बायो जियोग्राफी. तो ये हो गए हमारे ये सारे अलग अलग टाइप के ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू द अप्रोच ऑन स्टडिंग इट. तो टैक्सोनॉमी इज नेमिंग, इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ relationship between living and non-living thing, and then biogeography is nothing but the study of geographical distribution of plants and animals. ठीक है, तो ये सारे हमारे approach के हिसाब से studies हो गए. Then we have paleontology. Somebody was asking me, sir, fossils के study को क्या बोलते हैं? So we call this as paleontology, which is nothing but the study of fossils. Fossils are remains or imprints of organisms which survived in the past. And then we have the evolution. What is evolution? So study of origin and descent of organisms. So that is called as the evolution. जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, human का evolution हो रहा है. We have evolved from these animals called as the ape. So ape-like animals, ये पूरा evolution होते होते eventually we became the human beings. ठीक है? Yes, so there's a slow and gradual development which has taken place here, where we have evolved from ape and eventually became the human beings. So, ये इसका भी study होता है, so that's called as evolution. So, study of origin and descent of the organisms. And last but not the least is the genetics. Now, what is genetics? It is nothing but the science of transmission of body characters, that is both similarities and differences from parents to offspring. आप लोगों ने 10th standard में already ये पढ़ा हुआ है. So I don't think there is any new name which is coming up here in genetics. Genetics basically talks about, yes, heredity naam ke chapter mein aap logon ne sabne padha hua, heredity and variation, heredity and evolution, study of genes. ICSE mein bhi aap logon ne padha hua hai, SSC ke bachchon ne bhi already padha hua hai, 9th standard mein padha hai SSC ke bachchon ne, ICSE ke CBSE ke bachchon ne 10th standard mein padha hua hai. So you know, this is called, and this is one of the most important upcoming and a field having huge scope. बहुत बड़ा स्कोप है ये फील्ड में, बिकॉज ये फील्ड में बहुत सारे नए नए डिस्कवरीज हो रहे हैं. मीनिंग हाउ वी कैन जेनेटिकली इंप्रूव द इंडिविजुअल सो दैट दे डोंट सफर फ्रॉम डिजीज. वी हैव आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर. How we can prevent cancer by treating those genes. We have come up with a concept called as designer genes. Matlab kya? Jaise there are cases where it is found ki a individual can, we can actually change the genes of the zygote before it turns into an embryo. So that we will get all the desired characteristics. So designer baby, aisa concept ek aaya hua hai. Aap logon ko pata rahega, famous artist hai, सुपरस्टार, बादशाह ऑफ बॉलीवुड, दैट इज मिस्टर शाहरुख खान. इनका जो थर्ड बेबी है अब्राहम, उसका फोटो अगर आप देखोगे ना, तो दूर दूर तक वो बंदा ना शाहरुख जैसा दिखता है ना गौरी जैसा दिखता है, एकदम अलग ही दिखता है. तो ऐसा क्यों हुआ होगा? सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. डिक्लेयर्ड नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि ही इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड चाइल्ड. ठीक है, हेलो, मेरा स्क्रीन बंद हो गया क्या? Yes, बच्चो, कैन यू हियर मी? हेलो, मेरा स्क्रीन चालू है कि बंद है? अच्छा, ओके, मेरा लैपटॉप पता नहीं एकदम स्लिप मोड में चला गया. एनीवे, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस व्हिच आर देयर अराउंड अस. एक मिनट, मेरा लैपटॉप चालू हो रहा है, सो विल सी द फर्दर पार्ट. लेकिन ना ये सारा स्टडी और ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है,
विदाउट दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड टफ फॉर अस. ये ब्रांचेस बताने के पीछे मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही था दैट यू पीपल शुड नो कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ बायोलॉजी एज अ साइंस. करेक्ट. अगर ये आप लोगों को पता नहीं रहेगा ना, देन द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड टफ फॉर यू. जैसे मैंने बताया ना कि नॉट नेसेसरी दैट एवरी पर्सन विल गेट बेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस. ऐसा हो सकता है कि आपको जैसा चाहिए वैसा मेडिकल कॉलेज ना मिले, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ करना है ये साइंस में और ये फील्ड में, तो आप लोगों को इस तरीके से ये करना पड़ेगा. एंड देन यू हैव टू सर्च फॉर वेरियस फील्ड्स. एंड एज आई सेड, नो सिंगल फील्ड. ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे स्कोप नहीं है. हर एक फील्ड में स्कोप है. आप लोगों को वो स्कोप को ढूंढना है, आपको उसको पता करना है कि एग्जैक्टली मेरा स्कोप कहाँ पे रहे. ना रही बात हमारे पूरे स्टडी की या फिर हमारे AIR means for MBBS, we have studied all these things in details. For everything, we have to study all this. ठीक है. Now, when it comes to the syllabus, अभी actually मुझे syllabus दिखाना था लेकिन मेरा लैपटॉप पता नहीं अचानक स्लीप मोड में चला गया. आई डोंट नो व्हाई, बट टाइम भी अपने पास बहुत ही कम बचा है. बट देन आई विल डेफिनेटली टेल यू कि सिलेबस जो आपका रहेगा ना, जो पूरा सिलेबस रहता है वो NCERT बेस्ड रहता है. तो नीट के लिए जो भी सिलेबस है वो आपका 11th और 10th स्टैंडर्ड का NCERT का टेक्स्ट बुक, दैट इज योर सिलेबस, जिसमें 10 यूनिट्स है. ठीक है. पहले 5 यूनिट आपको 11th में NCERT में रहेगा और आगे के 5 यूनिट आपको रहेंगे 12th NCERT में. जो 11th में NCERT में पहले 5 यूनिट है उसमें सबसे पहला यूनिट आता है आपका जनरल बायोलॉजी का, जिसमें लिविंग वर्ल्ड नाम का एक चैप्टर है, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का एक चैप्टर है, फिर किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमलिया. तो ऐसे 4 चैप्टर से आपका फर्स्ट यूनिट तैयार हो जाता है. फिर उसके बाद यू हैव सेकंड यूनिट जिसमें एक जनरल साइंस के बारे में दिया गया है, जिसमें यू आर गोइंग टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट टिश्यूज, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एन एनिमल कॉल्ड एज कॉकरोच. तो दैट इज कॉल्ड एज दैट इज बेसिकली स्टडी ऑफ टिश्यूज के बारे में है वो. और उसके बाद देन यू हैव अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर विच इज देयर और सेक्शन विच इज देयर, दैट इज द सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी नाम का एक सेक्शन आता है जिसमें सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फिर बायोमोलिक्यूल्स और उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. वैसे ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को रहेंगे विच आर रिलेटेड टू द सेल बायोलॉजी. फिर देन यू हैव द प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी में क्या आएगा, तो उसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स आएगा, या फिर फोटोसिंथेसिस आएगा, या फिर रेस्पिरेशन आएगा, या फिर उसके बाद देन वी आर गोइंग टू हैव अनदर, जैसे रेस्पिरेशन के बाद देन वी आर गोइंग टू हैव से फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. And then the plant growth and development. Plant growth and development में we are going to understand about the hormones which are responsible for growth in the plants. So hormones के बारे में हम लोग बात करेंगे. And then we have the last unit, that is the 5th unit called as human physiology. और human physiology में आपको digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, endocrine system, musculoskeletal system, यानी muscles and bones. तो ये सब स्टडी आप लोगों को करना है ये लास्ट सेक्शन में, दैट इज यूनिट नंबर 5. और फिर 12th में रहता है यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9, 10. तो यूनिट 6 आपका 12th का रहेगा, दैट इज रिप्रोडक्शन का यूनिट, तो प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा. फिर 7th यूनिट रहेगा आपका जिसमें जेनेटिक्स का पार्ट आएगा. फिर 8th यूनिट रहेगा आपका विच इज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी. फिर 9th यूनिट इज अबाउट जनरल फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी. और उसके बाद लास्ट वाला जो यूनिट आता है दैट इज अबाउट इकोलॉजी. जनरल फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिसीजेस. सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम का एक चैप्टर है, या फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का चैप्टर है. तो वो सब आप लोगों को पढ़ना है ये वाले यूनिट. So these are all the units and these are all the things which you people are going to have in your study. ठीक है. तो ऐसा ये पूरा आपका बायो का स्टडी रहेगा. अभी राइट नाउ तो आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू टेल यू कि बी एसोसिएटेड विथ अस एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट दैट यू ऑल आर बिकमिंग अ गुड डॉक्टर. आपको सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को है ना सिर्फ हम लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करना है, दैट्स इट. बाकी कुछ नहीं करना है. इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग अस ब्लाइंडली द स्काई इज द लिमिट फॉर यू. लेकिन अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया इंस्ट्रक्शंस, अगर अच्छे से नहीं फॉलो किए, तो देन आई कैन नॉट गारंटी एनीथिंग.
करेक्ट, तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखो। रही बात आपकी बुक्स की, तो जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी आप ले लो जो सबसे पहले जरूरी है आपको, उसके बाद आप लोगों को लेना है एमटीजी, फिंगर टिप्स वाला एमटीजी का एक बुक है, वो आप चाहे तो ले सकते हो। और हम लोग हमारी तरफ से आपको कुछ स्टडी नोट्स प्रोवाइड करने वाले, सो दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। और बाद में कुछ रेफरेंस बुक्स है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी इमिडिएटली वो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10th NCERT का बुक चाहिए बेटा आपको, 10th का भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ना, ncert.nic.in, ठीक है। तो उस पे आपको सारे ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है ये, ओके, एनसीईआरटी के, तो आपको डाउनलोड कर लो एंड स्टार्ट स्टडिंग देयर। होपफुली वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई एम 100% श्योर कि आप सब लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगे, एंड वी विल स्टार्ट स्टडिंग दिस एंटायर सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो इसका स्टडी हम लोग अच्छे से चालू कर देंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, इट वॉज रियली रियली गुड टू सी यू पीपल, और आप लोगों ने इतना अच्छा हमारा, हम लोगों को सपोर्ट किया है, हमारा साथ दिया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, ओके। क्या चाहिए अभी, किसी को कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, कैन यू टेल अबाउट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल का बताया ना मेरे बेटा, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज ऑल रिलेटेड टू यूज ऑफ इंजीनियरिंग फील्ड इन द बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला पार्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, या फिर शाम को आप आतिश सर से एक बार बात कर लेना, ही विल बी एबल टू टेल यू, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे। सर डू वी हैव टू टेक, यस मैथ्स लेना पड़ेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, यू हैव टू। सर प्लीज टेल अबाउट 11th एनसीईआरटी बुक, 11th का एनसीईआरटी का बुक आपको मिल जाएगा बेटा, ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ncert.nic.in, ठीक है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए यू हैव टू बिकम एन एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस करके आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो। इनफैक्ट मैंने मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन भी सिखाया हुआ है। काउंसिलिंग का टाइमिंग आपका रहेगा इवनिंग का, ठीक है। एक मिनट, आई जस्ट टेल यू कि काउंसलिंग का टाइमिंग आपका क्या हो सकता है। आपको बेटा ग्रुप पे भी आ जाएगा, ठीक है, काउंसलिंग का क्या टाइम रहेगा ना, दैट यू विल बी एबल टू नो ऑन द ग्रुप ऑल्सो, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। सर कहना है पर्सनली कॉल यू, यस बुशरा यू कैन कॉल मी एनी टाइम, नो इश्यूज, हैव अ नाइस डे, यस थैंक यू वेरी मच वेदांत, बाय बाय अनीशा, श्रद्धा सी यू, बाय बाय, टेक केयर, अवधूत बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, निधि सी यू सून, बाय, यस डियर वेदांत, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय एवरीवन, सोनाली बाय, गुड डे, थैंक यू सर, बाय 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 बाय, टीशा, अरे टीशा वॉज ऑल्सो देर, बाय टीशा, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून। सर आई वॉन्ट टू गो इन MBBS, वॉट शुड आई चूज, PCB और PCMB? PCB चूज करो बादल, खत्म, मैथ्स का टेंशन लेने का नहीं, मैथ्स के 3-4 चैप्टर वो बाद में पढ़ लेना, ठीक है, PCB ले लो, बाय, थैंक यू सर, योर नंबर प्लीज, एक मिनट, हाँ किसको किसको चाहिए कॉन्टेक्ट नंबर मेरा, हाँ चलो मैं डाल रहा हूँ, देखो मिल रहा है क्या आपको, मिला आपको नंबर मेरा, यस yes. नहीं नहीं मैंने पर्सनल डाला है, पर्सनल मैसेज किया है, इधर भी डालू ग्रुप पे, एक मिनट दे लो, मेरा नंबर ले लो, मैं डाल रहा हूँ ग्रुप पे, इट इज 9422468633, चलो ये लो, दिस इज माय नंबर, नहीं मैथ्स लेकिन 3-4 चैप्टर से बेटा, जो मैथ्स के जैसे डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन ऐसे कुछ चैप्टर से वही जरूरी है, बाकी फिर नहीं लगता है, यस थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं जरूर जल्द से जल्द, ओके। क्या बात कर रहे हो, मैंने अभी डाला ना, बाय, दिख नहीं रहा है मेरा नंबर, सोनाली मैं आपको पर्सनल पे ही भी डाल देता हूँ, चलो ठीक है, सोनाली मिला, ये लो 9422468, चलो ये ले लो, सोनाली आपको दिया मैंने नंबर, गायत्री मैंने डाला ना बेटा,
ये लो 94 इक्वल टू आया मिला। हाँ चलो गुड, कर लो कॉपी सब लोग। Shall I end this meeting now? Bye bye. Thank you. God bless you all. Yes, bye. Exactly.